टेंथ क्लास के अंदर हमें पढ़ाया गया कि हमारे पास एलिमेंट्री केनाल है, क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल हमारी 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब थी, कितने मीटर, 9 मीटर। उसके अंदर 6.5 मीटर लॉन्ग, जो कि सबसे लॉन्ग रहती है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये सारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। साथ में होती है मैम ये? हाँ जी, साथ में जुड़ी होती है। हाँ बिल्कुल, अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन्स होता क्या है, आपके जो ऑर्गन्स है, सबसे पहले आपका माउथ आया, माउथ के अंदर ही फैरिंग्स प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, फैरिंग्स। बक्कल कैविटी चली गई अंदर, ठीक है, बक्कल कैविटी में माउथ के अंदर टंग और आपके टिथ है ना, टिथ की हम बात करें यहाँ पे, टिथ जो है हमारे हेट्रोडोंट है, क्या है, हेट्रोडोंट। जीभ लगा के देखो अपने माउथ के अंदर, क्या सारे टिथ की जितने भी टूथ है हमारे अंदर, वो सारे सेम शेप सेम साइज के नहीं, अलग अलग है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट, क्या बोलेंगे, हेट्रोडोंट। समझ आ रही है बात, वो कॉन्सेप्ट क्या है, हेट्रोडोंट। उसके अलावा हम बात करें हेट्रोडोंट के अलावा, हमें बोला गया कि ना जब हम बच्चे थे तो हमारे दूध के दांत थे, है ना, मिल्क टिथ थे, वो टूटे फिर दोबारा आए, वो परमानेंट है, वो टूटेंगे तो तुम कभी नहीं, तुम्हारे दांत आएंगे, आर्टिफिशियल लगाने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हो डाइफाइडोंट, क्या बोलोगे, डाइफाइडोंट, क्या बोलोगे, डाइफाइडोंट। अब दूसरी बात, टूथ जुड़ा हुआ है ना अंदर, ये तो नहीं कि जीभ हम बाहर निकाल लेते हैं, टूथ भी बाहर निकल रहा है, नहीं ना, जुड़ा हुआ है सॉकेट के अंदर है, इसको क्या बोलोगे, थिकोडोंट, क्या बोलते हो, थिकोडोंट, कोई कंफ्यूजन। तो हमारे टूथ का कैसा कॉन्सेप्ट है, हेट्रोडोंट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरह के डिफरेंट टाइप्स, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना। उसके बाद डाइफाइडोंट, दो बार टूथ आकर, है ना, एक बार टूटा फिर परमानेंट आएगा, मिल्क एंड देन परमानेंट होता, राइट। उसके बाद क्या बोला हमने, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट एंड थिकोडोंट, क्या बोला, थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या है, टूथ आपका जो के सॉकेट के अंदर फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि टंग की तरह बाहर आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, थिकोडोंट। अब जो आपकी बक्कल कैविटी है वो यहाँ पर एक कॉमन पैसेज होता है, देखो समझो, नोज से एयर गई अंदर और आपकी बक्कल कैविटी माउथ से खाना गया अंदर, दोनों की कॉमन ओपनिंग रहती है, क्या रहती है, कॉमन ओपनिंग, यानी कि जो आपने सांस लिया वो भी वही जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं वो भी वही जा रहा है, समझ आ रही है बात। yes, अब उसके बाद ईसोफेगस स्टार्ट होती है, ये ट्रैक क्या है, इसके पीछे होगी ईसोफेगस, क्या प्रेजेंट होगी, ईसोफेगस, पहले विंड पाइप एंड देन फूड पाइप, इज आल्सो नोन एज ईसोफेगस। ईसोफेगस का बिल्कुल सिंपल सा काम, पेरिस्टाल्टिसिस मूवमेंट करेगा, पेरिस्टाल्टिसिस मूवमेंट क्या है, एक पाइप लो उसमें ना कुछ फंसा दो, उसको निकाल लेंगे, इसे निकालोगे उसको प्रेस करोगे, क्या करोगे, प्रेस करोगे, ईसोफेगस खुद से प्रेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, फूड जाएगा आगे किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, स्टमक हमारा ये है, ठीक है। स्टमक जो है शेप कैसे दिख रही है, जे शेप, कैसा होता है, जे शेप, सी शेप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जे शेप, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब स्टमक जो है इसके पार्ट्स है, क्या है पार्ट्स, इसको मैं यहाँ लगाना सोचूं तो कैसे लगेगा, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसके जो पार्ट्स है, इसमें रहता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, क्या रहेगा, ऊपर वाला पार्ट, जैसे ये ओपन हो रहा है, इसका जो है मेन बॉडी यहाँ मिलेगा आपको, ये क्या है, मेन बॉडी, ये क्या है, मेन बॉडी। फिर जो एंड पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, क्या बोलेंगे, पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे रहता है फंडस पार्ट, क्या रहेगा, फंडस पार्ट। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं स्टमक के। स्टमक के अंदर अगर फूड आपका 3 से 4 घंटे के लिए रहता है, कितने घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए, 3 to 4 hours के अंदर जो ये स्टमक है ना, ये ऐसे चर्न करता है, ये जो मसल्स है ऐसे चर्न करती है, पीसती है फूड को, ठीक है। उसके अलावा जो उसकी अंदर की लाइनिंग है वो जूस सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करेंगी, बाइल जूस, नो बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। इसमें क्या कौन सा जूस सीक्रेट करना है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, यस एग्जैक्टली, यहां पे ग्लैंड्स हैं, अभी बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, चीफ सेल्स है, पैक्टिक सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, अभी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है ताकि हम चीजें रिमाइंड कर लें। इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगी, जिससे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल शुगर में। उसके बाद खाना निकलेगा, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स।
स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से है, ये रहेगा ड्यूओडेनम, ये दिख रहा है ड्यूओडेनम, क्या है ये ड्यूओडेनम, जैसे पीछे की तरफ आएगा यहां से दिख रहा है हमें, ये पीछे जाता है फिर, इसमें क्लियर नहीं है, ये अंदर की तरफ जाएगा तो जेजुनम, क्या बोलोगे जेजुनम, सी शेप्ड ड्यूओडेनम, कौन सा शेप है सी शेप, फिर लॉन्ग पॉइंट होती है जेजुनम की, किसकी जेजुनम, उसके बाद है इलियम, ये जो है ना सारा दिख रहा है ये इलियम है, क्या है ये इलियम, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्लियर, इलियम यहाँ से ओपन होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, इलियम कहाँ ओपन होगी, ये सारी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये ऊपर जा रही है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हो बेटा, असेंडिंग कोलन ऊपर जा रही है, क्या बोलेंगे असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स है, इस कोलन का नाम क्या है ट्रांसवर्स कोलन, वो जा रही है नीचे, तो हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, क्या बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद यहाँ पे एस शेप्स जैसा रहता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, जो कि रेक्टम में ओपन होगी, किसमें ओपन होगी रेक्टम में, रेक्टम समझते हो जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्टोर होने वाला है, और उसकी जो ओपनिंग है उसको बोलते हो एनस, क्या बोलोगे एनस, कोई कंफ्यूजन नो, स्टार्ट किया हमने कहाँ से माउथ से, कहाँ से स्टार्ट किया माउथ से, माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है टीथ, टिथ और टंग, टिथ का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे फंक्शंस, नहीं उसके अंदर क्या कैसा कॉन्सेप्ट क्या है उसका, कॉन्सेप्ट पूछना चाह रही हूँ, कॉन्सेप्ट डाइफाइडॉन हेट्रोडॉन थीकोडॉन, डॉन इज फॉर डेंटाइन, डेंटिस्ट का की वर्ड्स है ये, डेंटिस्ट यूज करता है इसको, क्या कौन यूज करता है, डोंट का मतलब है आप टूथ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो टूथ, हेट्रो हेट्रो वर्ड का मतलब है डिफरेंट, क्या मीनिंग है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, हेट्रोडॉन डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, राइट, उसके बाद डाइफाइडॉन, क्या बोला डाई मतलब दो, फाइडोन का मतलब होता है कितने तरह के टूथ आने वाले हैं, कितने तरह के दो तरह के, मिल्क विद हैंड परमानेंट, उसके बाद हमने कहा थीकोडोन, क्या वर्ड बोला थीकोडोन का मतलब है कि सॉकेट में अंदर है हमारा टूथ, टंग की तरह उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसके बाद टंग की बात करूं, टंग क्या करती है, आपकी टंग काटी जाए तो आप क्या बोल सकते हो, कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा नहीं होगा, तो सबसे पहले तो मुर्गी कम्युनिकेशन के लिए है, स्पीच के लिए है, टंग किसके लिए है स्पीच के लिए है, अब जीभ के बिना क्या आप फूड को स्वेलो कर सकते हो, निकल सकते हो, जीभ ना रहे फूड स्वेलो हो जाएगा नहीं, तो टंग जो है आपको दो काम में हेल्प करती है, कौन कौन से, स्वेलोइंग ऑफ फूड एंड स्पीच, स्वेलोइंग ऑफ फूड एंड स्पीच, दो काम में हेल्प करेगी आपको, क्लियर, ये मिक्स करने का भी काम कर रही है, फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स किया एंड देन वी आर स्वेलोइंग द फूड, टंग जो है ऐसा तो पूरी बाहर निकाल दूंगा अपनी, चिपकी हुई है ना अंदर, किससे फ्रेन्यूलम से, किस चिपकी हुई है फ्रेन्यूलम से, सब लिखवाया जाएगा डॉक्टर, हाँ बिल्कुल मसल है ही, ठीक है समझ आ रही बात, टंग के बिना तो टेस्ट नहीं आ सकता, उसके ऊपर होते पैपिल है, क्या प्रेजेंट होते हैं पैपिल है, क्लियर, पैपिले जो है उसके अंदर है टेस्ट बर्ड्स, क्या होते हैं टेस्ट बर्ड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे बताओ टेस्ट कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर, सॉर बिटर सॉल्ट स्वीट और मिर्ची तुमने ना रसगुल्ला खाया मीठा है ना yes, और उसके हाथ तुम्हारे हो गए मीठे में और तुमने गलती से यहाँ लगा लिया तो क्या यहाँ मीठा लगता है, क्या यहाँ मीठा लगता है, ऐसे खट्टे के साथ भी होगा, टांग कहीं लगा आइस पे लगा लिया कहीं लगा लिया, लगा भाई कुछ मिर्ची स्पाइसेस के साथ, जितना सेंसिटिव एरिया उतनी ज्यादा मिर्ची लगेगी, स्पाइसेस नॉट अ टेस्ट, समझो फिर मिर्ची को समझो समझो समझो, क्या होगा किसी भी आपकी बॉडी के ऑर्गन पे वो लगेगी, हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, क्या होते हैं रिसेप्टर्स, मिर्ची जहां भी लगी ना लाइक मैंने यहाँ लगा लिया जलेगा ना यस, यहाँ लगा लिया जलता है, हर जगह जलता है, मिर्ची बहुत सारी कट कर दो हाथों में भी जलन होती है, इट्स अ सेंस, क्या ये सेंस नॉट अ टेस्ट, होता क्या है स्पाइस को हमने टच किया स्किन पे है रिसेप्टर्स, क्या है रिसेप्टर्स, ये सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन में, कहां ब्रेन में, और वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, और वहां पे टेम्परेचर बढ़ने की जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन होने की जैसे वहां पे हमें जलता है,
क्लियर. सो स्पाइस इज नॉट अ टेस्ट, इट्स अ सेंस, सेंसेशन है वो तरह की. जब हम स्पाइसी खाते हैं कोई भी तो हमें स्पाइसी तो लगता है ना वो चीज. जीपी तो वही तो ना, मतलब जलन होती है वो एक तरह की, इट्स अ सेंस ओनली. ठीक है, वो सेंस है ना कि टेस्ट है. मैम अगर स्पाइस मतलब किसी भी स्टिमुली के ऊपर लगेगी तो मतलब जलन तो है. जितना सेंसिटिव एरिया, अब सेंसिटिव एरिया आपको पता है, आइस पे लगा लो. सेंसिटिव एरिया यू नो वेरी वेल जो कनेक्ट करते हैं. ठीक है, जहाँ मिर्ची ज्यादा लगेगी वो सेंसिटिव एरिया ज्यादा होते हैं. दैट्स व्हाई